बेबो मुंह ठीक करें। तंग ना करो मुझे, मेरा मुंह ठीक नहीं है रानी। धमाकेदार न्यूज के साथ हाजिर हुई हूँ, फिर ना कहना कि हमें खबर नहीं हुई। मैंने मियाँ जी को अयाज बाबू के लिए मना लिया है और उनसे वादा भी ले लेंगे, बाबा को भी राजी कर लेंगे। सच में मानती है कि नहीं? फिर अयाज का फोन आ रहा है, पता वो कब से फोन कर रहे हैं मगर मैं उठा नहीं रही। मुझे दे, आपको कसम है कि अभी कुछ नहीं बताएंगे, मैं खुद घर जाके बताऊंगी ना उन्हें। थोड़ा तंग करना तो बनता है ना। रानी मामू, अयाज अयाज, हाय अल्लाह, इस बेचारे का मायूस दिल इतनी बड़ी खबर बर्दाश्त नहीं कर पाया। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? एम्बुलेंस को बुलाती हूँ, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस नहीं, ऐसे मौके पे मरीज को पानी पिलाया जाता है बाजी। शुक्र अल्लाह का कि तो शायद जिंदा है। शायद जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। कल भी मामू जिंदा था, आज भी मामू जिंदा है। तू मजाक तो नहीं कर रही? मैं इतनी दूर से इतना भोंडा मजाक करने आऊंगी? मैंने ना मियाँ जी को राजी कर लिया और उनसे ये भी कह दिया कि बाबा को भी बोल दे कि रिश्ता पक्का। रानिया तुमने मेरे भाई की अंधेरी जिंदगी में खुशियों का चिराग रोशन कर दिया है। अभी तो मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने, तो मामूली सा काम था, लेकिन हाँ आप इस चिराग की तेल और बत्ती की जिम्मेदारी मामू। भाई तेल बत्ती आटा सब कर लूंगा मैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस खुशी के मौके को मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। कैसे एक्सप्रेस करूँ? गा के करूंगा, नाच के करूंगा, करूंगा पार्टी करूंगा। 1 2 3 go। खुशखबरी दे दूं, अम्मा जी बेचारी इतनी परेशान थी, उन्हें भी तो पता चले कि मैं हर मसला हल कर सकती हूँ। तुम जाओ, हम फिर से पार्टी करते हैं। पार्टी करते हैं।